नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं ज्योति FL सपोर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबाकर कि कोई भी वीडियो डाले तो आप लोग को पहले मिल जाए, ठीक है दोस्त। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्त कि कैसे अपने सॉन्ग को जो मिक्सिंग कर लिए हैं उसको कैसे हाई क्वालिटी मतलब MP3 में सेव करते हैं, ठीक है। जो आवाज़ फटे ना, हाई क्वालिटी में हो, वही आज इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग को करने आ रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं करने आ रहा है उसके लिए वीडियो है दोस्त, ठीक है। तो आप लोग यहीं छोड़ दीजिए उस वीडियो को अगर जानते हैं तो चलिए सीख लेते हैं हाई क्वालिटी में कैसे करते हैं कि आवाज़ एकदम साउंड में आए तगड़ा, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, जैसे मैं ये हम DJ कर लिए हैं मान के चलिए, ठीक है। आप भी अपना DJ सॉन्ग कर लीजिएगा FL में। उसके बाद दोस्त देखिए, इसमें यहाँ लिखा है फाइल और एडिट ऐड, उसके बाद पैटर्न्स, ठीक है, व्यू ऑप्शन टूल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग को कहाँ जाना है, तो देखिए फाइल लिखा है, इस पर हम लोग को क्लिक कर लेना है। देखिए ये कोने में देखिएगा तो दिख रहा होगा, माउस में तकिएगा तो दिख रहा है, ठीक है, पीला टाइप का होगा। तो इसी पर हम लोग को क्लिक करना है फाइल पे, ठीक है। फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाता है। ऐसा ऑप्शन खुलने के बाद देखिए नीचे में आइएगा तो न्यू फॉर्मेट, ठीक है, ओपन सेव और सेव आइस, ठीक है, और सेव न्यू वर्जन, ठीक है। तो आप लोग को इस तीनों में से सेव सेव लिखा है, इसमें से देखिए आप लोग को सेव पर क्लिक करना है, नहीं तो सेव आइस, ठीक है। तो आपको आपके लिए जो भी है सेव आइस पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं हम, सेव आइस पे इसलिए क्लिक किए दोस्त कि बढ़िया रहता है, ठीक है। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आ जाता है, ऐसा ऑप्शन आने के बाद आपको कहाँ MP3 सेव करना है वो दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से डेस्कटॉप पे चूज कर लेते हैं, आप भी कोई फाइल चूज कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए नीचे लिखा है फ्रूटी लूप्स फाइल FLP, ठीक है, FLP यहाँ से सेव होगा। तो FLP नहीं सेव करना है हमको, MP3 करना है, ठीक है। अगर आप लोग को प्रोजेक्ट सेव करना होगा जिप फाइल में, तो यहाँ से देखिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो लिखा होगा जिप फाइल, ठीक है, GIP, ठीक है। तो ये मतलब जिप होता है कि आप जहाँ तक बनाए हैं MP3 सॉन्ग उसको फिर से FL में डालकर ओपन कर सकते हैं उतना ही तक, ठीक है, ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर हमको MP3 सेव करना है तो देखिए नीचे आइएगा, MP3 लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ जो यूनिट लिखा है, यहाँ अपना जो भी है गाना का नाम लिख देना है, ठीक है। तो जैसे हम लिख देते हैं ज्योति, ठीक है, इतना ही लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है सेव, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्त देखिए ऐसा ऑप्शन आ जाता है, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर देना है आप लोग को। देखिए यहाँ 224 KBPS लिखा है, इसको आपको होगा 160 होगा, नहीं तो 192 होगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह आगे खींच कर बढ़ा देना है और 256 कर देना है, ठीक है, नहीं तो 224, तो 256 पे बढ़िया रहता है क्वालिटी। उसके बाद यहाँ करने के बाद यहाँ देखिए स्टार्ट लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है आप लोग को। देखिए क्लिक करते हुए ये जो भरा हुआ है अभी जस्ट भरा, ये ऑटोमेटिक 100% तक जाएगा, उसके बाद सॉन्ग सेव हो जाता है दोस्त, ठीक है।